Hello students, today we are going to understand questions and answers of lesson 2, the diamond necklace. Part first है, इसमें part A और B के questions को आपको समझाया गया है. Part C के question lengthy होते हैं, 50 to 75 words के होते हैं, उन्हें part 2 में लिया जाएगा. तो अभी part A और part B के questions आप इस वीडियो में देखेंगे. ये वीडियो आपको समझने में बहुत अच्छा लगेगा. आप इनके क्वेश्चंस एंड आंसर्स को कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और फिर भी यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो आप स्क्रीनशॉट खींच करके आराम से आपको बाद में अप राइट डाउन कर सकते हैं. मोबाइल की स्क्रीन यदि किसी बच्चे को नहीं पता हो कि कभी उसका डिस्प्ले की लाइट बंद हो जाती है, तो आप मोबाइल की सेटिंग में जा करके आप उसकी जो डिस्प्ले सेटिंग होती है, सेटिंग में जाकर डिस्प्ले में उसका टाइम बाउंड जो है आप लिखा रहता है सेटिंग में, 10 सेकेंड, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स और नेवर लिखा होगा, तो आप नेवर पर कर दें. जब तक कि आप राइट डाउन कर रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेटिंग में जा करके, तो आप नेवर को कर देंगे तो क्वेश्चन एंड आंसर आपको राइट डाउन करने में मोबाइल की स्क्रीन ऑफ नहीं होगी और वो ऑन रहेगी. तो ऐसा आप करके ही राइट डाउन क्वेश्चन एंड आंसर्स को करें. चलिए समझते हैं, लेट्स वी स्टार्ट. पार्ट ए में जो क्वेश्चंस हैं, आंसर इन वन सेंटेंस ईच, ये एक सेंटेंस वाले बहुत ही छोटे क्वेश्चन आंसर होते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज मैथिल्डे मैरिड टू, मैथिल्डे की शादी किससे हुई थी. मैथिल्डे वाज मैरिड टू मिस्टर लुजेल अ क्लर्क, मैथिल्डे की शादी मिस्टर लुजेल एक क्लर्क थे शिक्षा विभाग में, उनके साथ हुई थी. सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर वाज मैथिल्डे हस्बैंड एम्प्लॉयड, मैथिल्डे के हस्बैंड कहाँ काम करते थे. आंसर है, मैथिल्डीज हस्बैंड वॉज एम्प्लॉयड इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मैथिल्डे के हस्बैंड शिक्षा मंत्रालय में जॉब करते थे, एम्प्लॉयड थे. थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड मैथिल्डे वियर प्लेन ड्रेसेज, मैथिल्डे प्लेन ड्रेसेज क्यों पहनती थी. आंसर है, मैथिल्डे वोर प्लेन ड्रेसेज, मैथिल्डे प्लेन कपड़े पहनती थी बिकॉज, क्योंकि शी कुडंट एफोर्ड बेटर वन, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी शादी क्लर्कों के एक गरीब परिवार में हुई थी. फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज देयर इन एनवेलप मैथिल्डीज हस्बैंड गेव हर, मैथिल्डे के हस्बैंड ने लिफाफे में क्या दिया उसको. आंसर है, देयर वाज एन इनविटेशन कार्ड टू ए पार्टी इन द एनवेलप, तो पार्टी का इनविटेशन कार्ड एनवेलप में था. आपको पता है इसकी स्टोरी के 3 वीडियो पहले आपको भेजे जा चुके हैं, आप उनको देखें और उसमें अच्छे से बताया गया है आपको कि वो मंत्रालय में शिक्षा मंत्री के घर पर पार्टी थी, उस पार्टी में जो इन्विटेशन कार्ड थे बड़ी मुश्किल से उसका पति लाया था, क्योंकि हर क्लर्क को वो इन्विटेशन कार्ड नहीं दिए गए थे. तो एनवेलप में क्वेश्चन है, क्या लाया था उसका पति मैथिल्डे का, तो मैथिल्डे का पति उसके लिए पार्टी का इनविटेशन कार्ड लाया था. फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड मैथिल्डे आस्क फॉर फ्रॉम हर हस्बैंड टू बाई ए गाउन, उस पार्टी में जाने के लिए अच्छे कपड़े एक अच्छी गाउन की ज़रूरत थी. तो क्वेश्चन बनता है इसमें कि ये मैथिल्डे ने उसके पति से गाउन खरीदने के लिए कितने पैसे मांगे, कितने पैसे की उसने इच्छा की. आंसर है, मैथिल्डे आस्क्ड फॉर 400 फ्रैंक्स फ्रॉम हर हस्बैंड टू बाई ए गाउन, मैथिल्डे ने अपने पति से गाउन खरीदने के लिए करीब 400 फ्रैंक उसके लिए कहा. फ्रैंक जैसे अपने इंडिया में रुपीस होती है मुद्रा, तो फ्रांस और पेरिस की ये स्टोरी है, तो पेरिस में फ्रांस में जो मुद्रा है उसको फ्रैंक बोलते हैं, तो 400 फ्रैंक्स की डिमांड की. सिक्स्थ क्वेश्चन है, When did the couple go to the ministerial ball? Ball माने डांस पार्टी, तो मंत्रालय में जो डांस पार्टी थी उसको बॉल, तो वो कब गया कपल वहाँ पार्टी में. आंसर है, द कपल वेंट टू द मिनिस्ट्रियल बॉल इन द नाइट, रात के टाइम पर वो पार्टी थी, तो रात के टाइम पर कपल गया. सेवेंथ क्वेश्चन है, हाउ मच डिड द नेकलेस एट पैलेस रॉयल कॉस्ट, पैलेस रॉयल वो जगह थी जहाँ पर कि हार जो खो गया था उसके रिप्लेसमेंट में वो दूसरा एक हार लेने गए थे, तो पैलेस रॉयल
मैं वो कितनी कीमत थी हार की? तो आंसर है इट कॉस्टेड 40,000 फ्रेंक्स। तो 40,000 फ्रेंक उसकी कीमत दुकानदार ने बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मैडम फॉरेस्टर रिएक्ट वेल मैथिल्डे टर्न द नेकलेस? मैडम फॉरेस्टर मैथिल्डे की फ्रेंड्स थी बचपन की, तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया जब मैथिल्डे उनको उनका हार रिटर्न करने गई थी, वापस कर दे गई थी? आंसर है मैडम फॉरेस्टर रिएक्टेड दैट मैथिल्डे शुड हैव रिटर्न्ड इट सूनर। मैडम फॉरेस्टर ने रिएक्ट किया कि मैथिल्डे को वो हार जल्दी वापस कर देना चाहिए था। रिटर्न्ड इट सूनर, शी माइट हैव नीडेड इट। शी यानी मैडम फॉरेस्टर को इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी, तो इसलिए उसने कहा कि जल्दी ज़रूरत पड़ सकती थी, तो जल्दी हार वापस करना चाहिए था। नाइन्थ क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक मैथिल्डे एंड लुजिल टू रीपे द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस? नेकलेस की जो कॉस्ट थी उसको चुकाने के लिए, वापस करने के लिए मैथिल्डे और लुजिल को कितना टाइम लगा? आंसर है इट टुक 10 ईयर्स ऑफ टाइम। तो 10 साल लग गए पैसा वापस करने में, वो रिपे करने में जो कर्जा लिया था उन्होंने। 10वां क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द नेकलेस? नेकलेस की एक्चुअल कॉस्ट, वास्तविक कीमत क्या थी? इट वाज ओनली 500 फ्रेंक्स। सो हाँ, जो नेकलेस की जो उसके दोस्त से वो लाए थे वो तो नकली था, आपको पता है, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या थी? 500 फ्रैंक उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी। पार्ट बी में क्वेश्चंस हैं, इनके थोड़े से बड़े होते हैं क्वेश्चन, तो इनके 50 to 60 वर्ड्स में आपको आंसर देने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वाज मैथिल्डे डिससेटिस्फाइड विद हर मी व्हाट मेक्स यू थिंक सो? वॉज मैथिल्डे डिससेटिस्फाइड विद हर लाइफ? क्या मैथिल्डे अपने लाइफ से संतुष्ट नहीं थी? व्हाट मेक्स यू थिंक सो? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आंसर है मैथिल्डे वॉज अनहैप्पी विद हर मैरिज टू एन ऑर्डिनरी क्लर्क। मैथिल्डे एक ऑर्डिनरी क्लर्क, एक साधारण क्लर्क से शादी करके खुश नहीं थी, अनहैप्पी थी, ना खुश थी। सी फेल्ट, वो महसूस करती थी एज इफ सी हैड फॉलन फ्रॉम अ हायर स्टेशन, मानो तो उसको किसी ऊंचे दर्जे से गिरा दिया गया हो। ही शी लिव्ड इन अ अम्बल डवेलिंग, वो एक गरीब जगह पर रहती थी, सिंपल सी जगह पर, डवेलिंग माने रहने की जगह होती है। सी ड्रेस्ड प्लेनली, बिल्कुल साधारण कपड़े वो पहनती थी। द पॉवर्टी ऑफ हर हाउस मेड हर मिजरेबल, उसके घर की जो गरीबी थी वो उसको और भी दयनीय बनाती थी उसकी हालत को। शी हैड हाई ड्रीम्स, उसके ऊंचे सपने थे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच शी मेड हर लाइफ डिससेटिस्फाइड। अब वो सपने पूरे नहीं हुए तो परिणाम स्वरूप एज अ रिजल्ट वो खुद को डिससेटिस्फाई मानती थी, असंतुष्ट मानती थी, हो गई थी वो। क्वेश्चन टू देखिए, व्हाट थिंग्स डिड मैथिल्डे रिसेंट इन हर लाइफ? तो कौन सी चीज़ें उसको अपने जीवन में गुस्सा दिलाती थी, उसको जिनसे वो दुखी होती थी, तो वो कौन सी चीज़ों से उसको बुरा लगता था मैथिल्डे को, ये क्वेश्चन है। आंसर है मैथिल्डे हैड नो रैंक एंड प्रोफाइल इन सोसाइटी। अब उसकी शादी गरीब परिवार में हुई थी, तो मैथिल्डे हैड नो रैंक एंड प्रोफाइल इन सोसाइटी, मैथिल्डे की समाज में कोई ज़्यादा रैंक नहीं थी, उसकी कोई प्रोफाइल नहीं थी, उसकी कोई जगह नहीं थी सोसाइटी में। द पॉवर्टी ऑफ अ ड्वेलिंग, उसके जो रहने की जगह थी वो गरीबी जैसी थी। द बियरनेस ऑफ द बॉल्स, घर की दीवारें, बियरनेस मतलब उनमें नंगापन था, कोई अच्छा कलरफुल दीवारें नहीं थी। शेबी चेयर्स, टूटी फूटी पुरानी चेयर्स थी उसके घर में। एंड द अगलीनेस ऑफ द कर्टेंस मेड हर फील मिजरेबल, और उसके जो पर्दे लगे रहते थे घर में उनकी जो अगलीनेस थी
गंदापन जो था वो अच्छे नहीं थे, तो उसको ये चीज़ें बड़ी गरीब सी महसूस कराती थी, दयनीय सी उसकी हालत हो जाती थी, दुखी महसूस कराती थी। क्वेश्चन 3 देखिए। ऑन रिसीविंग द इन्विटेशन टू द बॉल मैथिल्डे वेप्ट, वाई? इन्विटेशन रिसीव करने के बाद भी, जो बॉल पार्टी थी डांस पार्टी, उसका इन्विटेशन मिलने के बाद भी मैथिल्डे रोई क्यों? क्यों रोई वो? इस कहानी में इसलिए बताया गया है, इन्विटेशन को एक बहुत बड़ी चीज़ बताया गया है, क्योंकि ये गरीब महिला, आप जानते हैं, मैथिल्डे थी, तो उसको जो सपने थे वो देखना चाहती थी, वो सपने उसके गरीब परिवार में पूरे नहीं हुए थे। उसकी डाइनिंग टेबल पर अच्छे अच्छे डिशेज नहीं होते थे, उसके घर में अच्छे कलर नहीं थे, सुंदर घर नहीं था। तो एक महिला को जब इस तरह का इन्विटेशन मिलता है तो उसकी इच्छा होती है कि एक अच्छी जगह पर जाए, अच्छा खाना मिलेगा वहाँ पर, अच्छे लोग मिलेंगे देखने को, एंजॉय करने को काफ़ी कुछ मिलेगा। तो इसलिए वो इन्विटेशन यहाँ पर इस स्टोरी में एक महत्वपूर्ण कंटेंट है। तो क्वेश्चन है, ऑन रिसीविंग द इन्विटेशन टू द बॉल, तो बॉल का इन्विटेशन रिसीव करने के बाद मैथिल्डे क्यों रोई? आंसर है, मैथिल्डे वॉज नॉट हैप्पी ऑन रिसीविंग द इन्विटेशन टू द बॉल एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। जो मंत्री के घर पर इन्विटेशन मिला था उसकी पार्टी के लिए, उससे मैथिल्डे खुश नहीं थी। देयर वर टू प्रॉब्लम्स, दो समस्याएं थीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, शी डिड नॉट हैव अ नाइस ड्रेस टू वियर ऑन द ओकेजन। सबसे पहले तो उसके पास उस ओकेजन पर पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं, नहीं थे। सेकेंडली, दूसरा, शी हैड नो ज्वेलरी टू मैच हर ड्रेस, और उसकी ड्रेस से मैचिंग की ज्वेलरी भी उसके पास नहीं थी। दीज टू प्रॉब्लम्स मेड हर एंग्जियस, टेंस, सैड। ये दो समस्याओं ने उसको चिंतित, तनाव में, टेंस और दुखी कर दिया था। सो सी वेप्ट, इसलिए वो रोई। फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब मैथिल्डीज फीलिंग्स वाइल शी वॉज शिफ्टिंग थ्रू हर हजबेंड्स ज्वेलरी। मैथिल्डे की वो फीलिंग्स बताइए जब वो उसके दोस्त के घर गई, वहाँ पर जो ज्वेलरी उसने उधार मांगी थी कुछ, मैडम फॉरेस्टर के घर पर वो गई थी, तो वहाँ उसे ज्वेलरी उधार मांगने गई, तो वहाँ उन मैडम फॉरेस्टर ने जो ज्वेलरी थी, तो उन सभी ज्वेलरीज को वो चेक कर रही थी अपने गले में डाल करके, हार कैसा लगता है, क्रॉस सेट कैसा लगता है। तो क्वेश्चन ये है कि उस समय मैथिल्डे को क्या फीलिंग आई थी, उसको डिस्क्राइब करो। उन जो ज्वेलरी को शिफ्टिंग करते समय, शिफ्टिंग SIFTING, शिफ्टिंग यानी यहाँ पर मतलब जांच करें अपन अपने कोई चीज़ का और फिर उसको निकालें, यानी हीरे को गले में डाला, चेक किया कैसी लग रही हूँ और उसको फिर रख दिया, दूसरा लिया, चेक किया, रख दिया, ये इसको कहते हैं शिफ्टिंग। तो मैथिल्डे के अंदर क्या फीलिंग्स थी उसकी ज्वेलरी को शिफ्ट शिफ्टिंग करते समय? आंसर है, मैथिल्डे वॉन्टेड टू लुक वेल्दी बिसाइड्स बींग चार्मिंग एंड प्रेटी। मैथिल्डे चार्मिंग थी, प्रेटी थी, सुंदर थी, आकर्षक थी, पर इस सब के अलावा भी वो खुद को वेल्दी दिखाना चाहती थी, अमीर दिखाना चाहती थी। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड वेन शी टुक द डायमंड नेकलेस। जब डायमंड नेकलेस उसने लिया अपने हाथ में, तो उसके हाथ कांप रहे थे, बिकॉज क्योंकि शी वॉज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि वो बहुत ही एक्साइटेड थी एंड फियरफुल, और डर भी रही थी। शी वॉन्टेड टू हैव द नेकलेस फॉर द पार्टी एज इट लुक्ड एक्सक्विजिट। क्यों? वो ये कीमती दिखने वाले हार को पार्टी के लिए लेना चाहती थी। एट द सेम टाइम शी वॉज एप्रिहेंसिव, परंतु उसी समय वो थोड़ी एप्रिहेंसिव भी थी। एप्रिहेंसिव यानी आशंकित थी, चिंतित थी, वो डरती थी। शी फियर्ड लेस्ट हर फ्रेंड शुड रिफ्यूज टू लैंड द नेकलेस टू हर, कि उसका दोस्त उसको वो नेकलेस उधार देने से रिफ्यूज न कर दे, मना न कर दे, इससे वो डरती भी थी। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड मैथिल्डे फेयर एट द बॉल? बॉल डांसिंग पार्टी में मैथिल्डे कैसे सफल हुई? फेयर यानी सफल होना, यहाँ इससे मतलब है। तो कैसे सफल हुई वो, खुद को उसने डांस पार्टी में पा करके कैसे सफल माना? आंसर है, मैथिल्डे वॉज अ ग्रेट सक्सेस एट द बॉल। मैथिल्डे
कि उस डांस पार्टी में बेल में महान सफलता उसको मिली थी। शी लुक्ड प्रीटियर एंड मोर चार्मिंग देन एनी अदर वुमेन प्रेजेंट देयर। वो प्रीटियर और मोर चार्मिंग लग रही थी, अन्य जो औरतें महिलाएं वहाँ उपस्थित थीं, प्रेजेंट थीं उस पार्टी में, उन सबसे ज़्यादा सुंदर और चार्मिंग लग रही थी। ऑल द मेन वॉन्टेड टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू हर। वहाँ जो सभी लोग थे वो उससे इंट्रोडक्शन परिचय करना चाहते थे। दे वॉन्टेड टू नो हर नेम, वे उसका नाम जानना चाहते थे। ऑल अटैचीज ऑफ द कैबिनेट वॉन्टेड टू डांस डांस विद हर। जो भी अब कैबिनेट सब जो है, ये आपको बताया गया है उस स्टोरी में, छोटी छोटी कमरे रूम्स होते हैं जहाँ पर के बॉय गर्ल लेडीज जेंट्स अपना डिनर करते हैं, एंजॉय करते हैं, चैटिंग करते हैं, देर रात तक चैटिंग करते हैं, सुबह 5 6 जितने भी टाइम तक चैटिंग करते हैं तो वो एंजॉय करते हैं। तो इनसे जो लोग जुड़े होते हैं कैबिनेट्स में, जो अक्सर पीपल आते हैं, तो ऑल अटैचेज ऑफ द कैबिनेट, सभी कैबिनेट से जो अटैचेज लोग थे, वॉन्टेड टू डांस विद हर, वो मैथिली के साथ डांस करना चाहते थे। शी वॉज रिमार्क्ड अपॉन बाय द मिनिस्टर हिमसेल्फ। और जिस मिनिस्टर की डांस पार्टी में वो गए थे, वहाँ वो मिनिस्टर ने भी उसको, मैथिल्डे को रिमार्क किया था, यानी उसकी तरफ कुछ खास नज़र से ध्यान भी दिया था, टिप्पणी की करना, रिमार्क करना। तो सभी कोई मतलब मैथिल्डे की तरफ आकर्षित थे, उससे बात करना चाह रहे थे, परिचय करना चाह रहे थे। वो बहुत ही सुंदर और चार्मिंग लग रही थी। सिक्स क्वेश्चन है, वाई डिड मैथिली नॉट टेक अ कैब एट द मिनिस्टर्स हाउस बट टुक वन ऑन द के। कि ये यहाँ पर QUAY, इसका प्रोनाउंसिएशन है की, तो की यानी कि जो जहाज वगैरह सामान उतारते हैं तो वो जगह होती है घाट, तो वहाँ की बात है। और इसमें एक नदी है, आप जहाँ पर ये पार्टी के बाद में किनारे पहुँचते हैं उस नदी किनारे जहाँ पर जहाज उतरते थे। तो क्वेश्चन ये बनता है कि मैथिल्डे ने मिनिस्टर के घर से जब वो पार्टी खत्म हो गई थी, तो उसके बाद उन्होंने कैब टैक्सी क्यों नहीं ली, बल्कि उन्होंने वहाँ उसकी जो जगह थी जहाँ घाट पर, जो भी मैंने बताया, वहाँ पर एक ली उन्होंने, बिल्कुल घर के पास क्यों नहीं ली, मतलब दूर जा कर के उन्होंने एक टैक्सी क्यों ली। आंसर है, मैथिल्डे डिड नॉट टेक अ कैब एट द मिनिस्टर्स हाउस। मैथिल्डे ने मिनिस्टर के घर पर टैक्सी नहीं ली। एज द कपल वर फीलिंग हेजिटेंट एंड शाई इन देयर स्टेटस, दे डिड नॉट वॉन्ट टू शो देयर शेबीनेस, बट वैन दे मूव्ड ऑन दे फेल्ट कोल्ड, दे वर शिवरिंग, सो दे टुक वन इन द की। जब कपल थोड़ा सा वो हिचक रहा था, इसलिए टैक्सी वहाँ नहीं ली, क्योंकि उन्होंने अपनी रिचनेस दिखाई थी पार्टी में, और थोड़ा उनके स्टेटस जो उन्होंने दिखाया था, उनके स्टेटस के हिसाब से उनको शर्म लग रही थी, वे नहीं चाहते थे, डिड नॉट वॉन्ट टू शो देयर शैबीनेस, अपने इस शैबीनेस को वो दिखाना नहीं चाहते थे। बट वैन दे मूव्ड ऑन, जब परंतु जब आगे गए तो उन्हें लगा, थोड़ी ठंड लगी, दे फेल्ट कोल्ड, देवर शिवरिंग, वे कांप रहे थे, सो दे टुक वन इन द की। तो फिर आगे जा कर के उन्होंने एक टैक्सी वहाँ से ले ली। और स्टोरी में आपको पता है कि वो इस तरह की टैक्सी भी थी जो टूटी फूटी होती थी, तो बड़ी मुश्किल से रात को ही चलती थी वो, क्योंकि वो टैक्सियाँ भी टूटी फूटी होने के कारण पेरिस जैसे आकर्षक शहर में दिन में नहीं चलती थी, तो रात में चलती थी। तो ऐसी ही एक टैक्सी उन्होंने ली थी। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट एफर्ट्स डिड लुजेल मेक टू फाइंड द नेकलेस। लुजेल यानी जो पति है मैथिल्डे का, उसने हार को पाने के लिए, जब वो खो गया था हार, तो उसके बाद उसके पति ने क्या प्रयास किए उस हार को पाने के लिए। आंसर है, लुजेल टुक मैनी स्टेप्स टू फाइंड द लॉस्ट नेकलेस। लुजेल ने, उसके पति ने, नेकलेस को जो खो गया था, उस नेकलेस को पाने के बहुत से स्टेप्स लिए। ही वेंट बैक ओवर द होल रूट टू सी वेदर ही कुड फाइंड इट। वो वापस उस रास्ते पर, रूट पर, पूरे रास्ते पर उसने वापस जाके देखा जहाँ से वो आए थे, तो वहाँ यदि मिल जाए, मिल सके, तो उस वहाँ गया। ही वेंट टू द पुलिस हेडक्वार्टर्स, वो पुलिस हेडक्वार्टर भी गया।
ही विजिटेड द न्यूज़पेपर ऑफिसेज, वो न्यूज़पेपर ऑफिसेज कार्यालयों में गया। ही वेंट टू द कैब कंपनीज, वो कैब कंपनीज टैक्सी कंपनीज भी गया, मतलब जहाँ जितना वो प्रयास कर सकता था वो सारे प्रयास उसने किए थे। बट ही रिटर्न विदाउट एनी न्यूज़, परंतु बिना न्यूज़ के वो वापस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड लुजेल अरेंज द मनी फॉर द नेकलेस? लुजेल ने, उसके पति ने कितना पैसा उस हार के लिए अरेंज किया? जो हार खो गया था तो असली हार खरीदने के लिए कितने रुपए की जरूरत थी, तो कितना पैसा उसके पास था और कितना अरेंज करना था उसको, कैसे अरेंज किया? क्वेश्चन ये है, आंसर है, लुजेल हैड 18,000 फ्रैंक्स विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम। लुजेल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे जो उसके पिता उसको छोड़ गए थे। ही डिसाइडेड टू बोरो द रेस्ट, बाकी पैसा उसने उधार लेने का सोचा, निर्णय किया। ही बोरोड मनी फ्रॉम सेवरल पर्सन्स एट वेरी हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, उसने पैसा उधार लिया बहुत से लोगों से जो हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, ऊंचे ब्याज दर पर पैसा देते थे, सूदखोर जो होते हैं उनसे। ही कंप्रोमाइज्ड ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, उसने बाकी पूरे जीवन के लिए कंप्रोमाइज किया। ही रिस्क्ड साइनिंग नोट्स इवन विदाउट रीडिंग देम प्रॉपरली, जो सूदखोर होते थे ऊंचे ब्याज वाले, और उससे साइन कराते थे कोरे कागजों पर और कई लिखे हुए कागजों पर, तो उसने वो रिस्क भी ली कि वो बिना पढ़े उनको उसने कागजों पर साइन किए। दस देवर एबल टू कलेक्ट 36, और इस प्रकार वे एक 36,000 फ्रैंक्स, 36,000 फ्रैंक्स अरेंज करने में सफल हुए, एंड बाई ए नेकलेस दे थॉट वॉज सिमिलर टू द वन दे हैड लॉस्ट, और वो नेकलेस उन्होंने खरीदा जो कि वो सोचते थे कि वो बिल्कुल खोए हुए हार की तरह था। नवा क्वेश्चन है, हाउ डिड मैथिलीन एंड लुजेल रीपे द रेस्ट ऑफ द नेकलेस, कॉस्ट कॉस्ट ऑफ द नेकलेस? तो मैथिल्डे और लुजेल ने हार की जो कीमत थी वो कैसे चुकाई, कैसे वापस की? आंसर है, इन ऑर्डर टू रिपे डेट्स, जो कर्जा था उसको चुकाने के लिए, द लुजेल्स चेंज्ड देयर लॉजिंग, लुजेल ने अपने जो रहने की जगह थी लॉजिंग वो बदली। दे रेंटेड अ गैरेट अंडर द रूफ, उन्होंने रूफ, एक गैरेट माने छोटी, सबसे ऊपर जो अटारी कमरा होता है, छोटा कमरा, छत होती है जिसमें, तो छोटा कमरा एक गैरेट उन्होंने किराए पर लिया। दे डिसमिस्ड देयर सर्वेंट, उन्होंने अपने नौकर बाहर निकाल दिए, मतलब नौकरी पर नहीं रखे खर्चा बचाने के लिए। मिस्टर लुजेल वर्कड इन द इवनिंग्स मेकिंग अप ए ट्रेडमैन्स अकाउंट्स, मिस्टर लुजेल जो थे पति उसके, वो शाम को काम करते थे एक व्यापारी के अकाउंट बही खाते वगैरह देखने का काम करते थे। ही कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर 5 सूज अ पेज, सूज माने सिक्का होता है, तो 5 सिक्के में एक पेज की वो मैन्यूस्क्रिप्ट करते थे, कॉपी करते थे, ऐसे काम को करते थे। मिसेज लुजेल डिड ऑल द हाउस होल्ड कोर्स हर सेल्फ, मिसेज लुजेल खुद घर के सारे काम, झाड़ू पोछा ये सब करती थी। सी ट्राई टू सेव एवरी सू, उसने एक एक सिक्का बचाने का प्रयास किया, बचाया मैथिल्डे ने। तो ये सब दोनों ने मिलकर के प्रयास किए हार का पैसा रिपे करने के लिए। 10वां क्वेश्चन है, पार्ट बी का आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट चेंज डिड द ऑर्डियल ऑफ रिपेइंग ब्रिंग अबाउट इन मैथिल्डे? तो हाँ, व्हाट चेंज इज द ऑर्डिल ऑफ रिपेइंग ब्रिंग अबाउट इन मैथिल्डे? मैथिल्डे, ये जो ऑर्डिल माने एक कठिन परीक्षा होती है, इस कठिन परीक्षा में जो पैसे चुकाने वाली थी, कठिन परीक्षा थी, वो क्या परिवर्तन लाया मैथिल्डे में, ये इस परीक्षा से जो उसने दी कठिनाई के समय, क्या चेंज आया उसमें? तो आंसर है, द लॉस ऑफ नेकलेस टुक अ हैवी टोल टू द ऑफ लाइजल्स। तो हार का खोना बहुत कुछ परिवर्तन
टोल माने होता है एक टैक्स, मतलब जैसे लगा हो, क्योंकि वो गरीब था तो उनको तो ये क्षति की, मतलब टोल एक तरीके से कोई नुकसान हुआ उसकी मात्रा चुकाना है, पैसा चुकाना था, तो बहुत बड़ी मात्रा उनको कीमत चुकानी पड़ी लुजेल्स को इस हार की खोने की। मैथिल्डे एंड लुजेल ओवर स्ट्रेंड देमसेल्व, मैथिल्डे और लुजेल दोनों अति तनाव में थे। एज ए रिजल्ट दे ग्रू ओल्ड प्रीमेच्योरली, और परिणाम स्वरूप वे दोनों ही और भी ज़्यादा प्रीमेच्योरली, उम्र से ज़्यादा बड़े बूढ़े लग रहे थे। स्पेशली मैथिल्डे हैड बिकम द वुमेन ऑफ एम्पावरिस्ट हाउस होल्ड स्ट्रॉन्ग एंड रफ। खास तौर से मैथिल्डे वो एक ऐसी औरत बन गई थी जो बिल्कुल गरीब औरत, जो कठिन परिस्थितियों बन जाती है, एकदम हार्ड कठोर औरत टाइप की बन गई थी। विद फ्रोसी हेयर, उसके बाल बिखरे रहते थे, स्कर्ट्स उसकी जो पहनती थी स्कर्ट वो बिखरी रहती थी। एस्क्यू एंड रेड हैंड्स, उसके हाथ थोड़े से मुड़े हुए टेढ़े मेढ़े जो काम से हो जाते हैं, लाल हाथ उसके रहते थे। सी टॉक्स लाउड, वो जोर से बात करती थी, वाइल वॉशिंग द फ्लोर विद ग्रेट शिशेज ऑफ वाटर, ग्रेट शिशेज ऑफ वाटर, ढेर सारा पानी लेकर के जब फ्लोर को पोंछा लगाती थी, वॉश करती थी, तो वो खूब जोर जोर से बात करती थी, बड़ा ही चिड़चिड़ापन उसका स्वभाव हो गया था। सी लॉस्ट ऑल हर ब्यूटी एंड चार्म, वो अपना सारी, उसने अपनी सुंदरता और आकर्षण चार खो दिया था। इसके पार्ट सी रिमेनिंग पार्ट है, उसके क्वेश्चन आंसर आपको अगला ये वीडियो में मिल जाएंगे। सो कीप ऑन वॉचिंग एमपी इंग्लिश क्लासेस। आप इस चैनल को अपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब के पास में बेल आइकॉन होता है उसको प्रेस करें। उसके प्रेस करने से सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा जैसे ही वीडियो हमारा जारी होगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।